आज सैटरडे है और छुट्टी है और हम जा रहे हैं टेम्पल। तो यहाँ पे एक प्रति शिरडी टेम्पल है, तो एक्चुअल जो शिरडी का टेम्पल है ये उसका रेप्लिका है और हमारे एरिया से ज्यादा दूर भी नहीं है। आई की बहुत दिनों से इच्छा थी कि हम इस टेम्पल में जाएं, क्योंकि जब हम लास्ट यहाँ गए थे तब हमारी शादी के बस कुछ टाइम बाद ही हम लोग गए थे, तो काफी साल अब हो चुके हैं। तो हमने सोचा कि चलो अब चलते हैं, साथ में ये ट्रिप भी हो जाएगी और आई की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, तो हम जा रहे हैं। तो हम लोग कर रहे हैं अपनी अपनी तैयारी, तो राहिन ने और आई वहाँ तैयार हो रहे हैं। तो आई राहिन को नहला के रेडी करने वाली है, हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं तो नहा कर आ गई हूँ और नेक्स्ट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बॉडी को मॉइस्चराइज करना, जो मैं अभी करने वाली हूँ। समर्स में भले ही मैं मॉइस्चराइजर यूज करूँ या ना करूँ, पर विंटर्स में तो ये मस्ट है और सबसे बेस्ट टाइम होता है राइट आफ्टर टेकिंग बाथ। विंटर्स में मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और यहाँ का वेदर भी जरा ड्राई ही है। पिछले कुछ दिनों से मैंने प्लम बॉडी लविंग के ये बॉडी ऑयल्स यूज करने शुरू किए हैं और ये बहुत अमेजिंग है। बेस्ट पार्ट है कि इसे बार बार यूज नहीं करना पड़ता, दिन का एक ही यूज इनफ है। ये ऑयल्स दो फ्रेग्रेंसेस में आते हैं, हवाईयन रूम्बा और वेनिला वाइब्स। तो ये जो ऑयल्स है बहुत ही नॉन ग्रीसी और लाइट वेट है, इन्हें यूज करने के बाद आपको बिल्कुल भी ऑयली ऑयली सा फील नहीं होगा। इनमें 8 नेचुरल ऑयल्स है, जैसे कि एवोकाडो, कोकोनट, आमंड, ब्राजील नट, कैरेट सीड, ऑलिव, ग्रेप सीड एंड सनफ्लावर ऑयल। काफी क्विकली ये ऑयल स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है एंड इंस्टेंटली स्किन में ग्लो आ जाता है। वैसे तो दोनों ही फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी है, पर मुझे हवाईयन रूमा बहुत ही ज्यादा पसंद आया। एकदम वो बीच पर होने वाली फीलिंग आती है, मुझे तो गोवा याद आ जाता है। अब क्या करें, हवाई तो जाने से रहे। ये देखो, ऑयल लगाने से पहले डल सा लग रहा है मेरा हाथ एंड बाद में एकदम बढ़िया वाला। प्लम बॉडी लविंग के प्रोडक्ट्स क्रुएल्टी फ्री है और उनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, और इनकी जो पैकेजिंग है इसके लिए भी रिसाइकलेबल प्लास्टिक यूज किया जाता है। अगर आप इन दोनों अमेजिंग ऑयल्स को परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, और एडिशनल 20% डिस्काउंट के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए हुए कोड को यूज कर सकते हैं। ये वीडियो प्लम बॉडी लविंग द्वारा स्पॉन्सर्ड है, लेकिन मुझे ऑनेस्टली ये ऑयल्स बहुत पसंद आए और मैंने कुछ दिनों तक इन्हें यूज करने के बाद ही अपना रिव्यू शेयर किया है। देखती हूँ राहिन ने तैयार हो गया है क्या। राहिन्य के बाल कोम करके कितना भी साइड करो वो मशरूम की तरह सामने आ ही जाते हैं। आज आई बना रही है वेजिटेबल पुलाव, जो हम साथ में लेकर जाने वाले हैं। आज तुम नहीं बना रही हो? मैं खाऊंगी। अरे वो बिरयानी के लिए है। मुझे कच्चा पसंद है, मतलब ऐसे। एकदम काजू बादाम और वेजिटेबल से लबालब बनने वाला है पुलाव। जो आप देख रहे हैं ये बहुत कम होता है कि राहिन ने सफाई से अपनी चीजें समेट कर रख रहा है, वरना इसे सिर्फ काम फैलाना आता है। तो हम भी बहुत सरप्राइज्ड है देखकर कि हे भगवान, ये क्या चल रहा है, ये अपनी बुक्स अच्छे से ड्रॉअर में रख रहा है। और ये वेजिटेबल पुलाव बन गया है, जिसमें हो रही है थोड़ी सी नमक की एडजस्टमेंट और पैकिंग वैकिंग करके बस अब हम निकल रहे हैं। ये राहिन्य को बिल्कुल पेशेंस नहीं होती है, मतलब बस उठाओ और लेकर चलो फटाफट, मुझे ऐसे होता है। हम लोग ट्रैवलिंग में मोस्टली राहिन्य को उसकी ही सीट पर बिठाते हैं। इधर
अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी भीड़ होगी, बट काफी लोग हैं, तो हम ना कुछ खरीद रहे हैं ना कुछ। यहाँ मंदिर में जहाँ दर्शन ले सकते हैं अंदर, वहां पर वीडियोग्राफी या फोटोज लेना अलाउड नहीं है, तो सब कैंपस में ले सकते हैं। हमने दर्शन ले लिए हैं और जहाँ हम जा रहे हैं एक बड़ा सा भवन है, बड़ा सा हॉल है, जहाँ पे नॉन कोविड डेज में प्रसाद यानी खाना मिलता है, पर अभी फिलहाल वो बंद है। ये देखिए ये हॉल है, तो इसके अंदर सीटिंग अरेंजमेंट है और यहाँ पर खाना होता है, पर अभी फिलहाल बंद है। इसके सराउंडिंग्स में ऐसा गार्डन है, तो अभी हम लोग बस थोड़ा घूम कर ढूंढ रहे हैं कोई जगह जो हमें लगता है जहाँ पे सेफ है, भीड़ नहीं है, जहाँ हम बैठ के खाना खा सकते हैं। तो हमें एक स्पॉट मिल गया है और साथ में हमने डिसइंफेक्टेंट स्प्रे रखा है, हम बहुत यूज करते हैं इसका आजकल कहीं बाहर जाते हैं तो। सैनिटाइजर भी होता है, स्प्रे भी होता है, वैसे तो हम इन जनरल इतना जाते नहीं हैं। यहाँ जिप है, यहाँ बॉटल के लिए है, यहाँ पे दो सेक्शंस कंपार्टमेंट्स और यहाँ एक और बॉटल के लिए। हमारे दर्शन हो गए और अब हम निकल रहे हैं। जाते जाते हमें मम्मी के यहाँ जाना है, कुछ सामान देना है, सामान का आदान प्रदान होने वाला है, तो हम वहाँ जाने वाले हैं नेक्स्ट। तो आज का व्लॉग यही एंड होता है और अब हम जा रहे हैं इसके बाद घर।